हे गाइस, दिस इज अंकित हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसका आंसर था नो, मतलब नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बारे में भी मैंने बताया था कि क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस वाई को अगर आपको जानना है तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो को कम्प्लीट करने के बाद। ओके, उसी के साथ ही एक क्वेश्चन और निकल के आता है गाइस कि फाइनल क्लास कैन एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या एक फाइनल क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इंटरव्यूअर जो एक लेवल अप जाएगा और ये क्वेश्चन भी उसी के अंदर पूछ सकता है कि क्या फाइनल क्लास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसका आंसर क्या होगा गाइस, चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल, उसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं था, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली ये क्लास क्रिएट की थी, राइट। जैसा कि गाइस आपको पता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके सिंपल कॉन्क्रीट मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दोनों हो सकते हैं, राइट। मतलब मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों अवेलेबल हो सकती हैं, राइट। ओके, तो ये हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं जिसकी सिर्फ यहाँ पे यू नो डिक्लेरेशन होगी, बॉडी नहीं होगी, और मान लो एन नंबर ऑफ यहाँ पे हैं और कुछ अलग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हैं, राइट। बहरहाल के लिए मैं यहाँ पे एक ही रखता हूँ, राइट। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मीनिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मीनिंग ये होता है सिंपल कि कोई क्लास जो कि अधूरी है, इनकम्प्लीट है, और उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि एक उसकी चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करेगी, उसके अंदर के जितने मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के उनको इम्प्लीमेंट करेगी, तो फाइनली वो सब चाइल्ड क्लास कंप्लीट करेगी उसके यू नो मेथड्स को जो इनकम्प्लीटेड थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक तरह का पार्शियल ऑब्जेक्ट होता है जो कि इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इसलिए उसका डायरेक्टली हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हम लेट्स से कि फाइनल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ यहीं पे फाइनल क्लास, और क्लास नेम लेट्स से फाइनल एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नहीं फाइनल क्लास कर लेते हैं, राइट। फाइनल क्लास, वेरी सिंपल। अब है क्वेश्चन कि हम एक्सटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे गाइस। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ, यस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे रेड लाइन जनरेट हो गई, बोल रहा है कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन है गाइस। अगर आप बेसिक इसके नेचर को समझोगे तो आप इजली इसका आंसर कर पाओगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनके मेथड्स को चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट करेगी तो ही उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंटायर एप्लीकेशन में। अदरवाइज वो इनडायरेक्टली जो सब चाइल्ड क्लास होती है, जो अगर उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो भी एक तरह के इनकम्प्लीट और यूं कह लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ट्रीट होने लगेगी। तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे क्या है कि अगर आप नहीं करते हो तो लेट्स से कि अभी फाइनल को यूज़ ना करें तो क्या ये एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ट्रीट होने लगेगी। तो बोलेगा या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ फोर्सफुली बोलेगा, या तो इस क्लास को क्या करो, इसके मेथड्स को जो सुपर क्लास के मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करो इसके अंदर, राइट, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। दो कंडीशन होती है। इसी तरह से फाइनल क्लास भी एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन फाइनल के केस में क्या होता है कि फोर्सफुली आपको एक्सटेंड करना होता है, मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है इसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो करना क्या गाइस, यहाँ पे आना है सिंपली एड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, दैट्स इट, सिंपल से ओवरराइड कर दो, काम खत्म। रिटर्न नल था या फिर वॉइड कर दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वॉइड कर दो, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे भी वॉइड कर दो, राइट, वेरी सिंपल। तो गाइस कहने का मतलब है आपसे अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम कर सकते हैं एक्सटेंड फाइनल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो आपका आंसर होना चाहिए यस कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, जब हम सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे उस फाइनल क्लास के अंदर, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। और नॉर्मल कंक्रीट क्लास में आपका तो पता है, या तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो या तो नॉर्मली इम्प्लीमेंट, मतलब या तो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दो या तो फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। सो दिस इज अ सिंपल आंसर, राइट। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक कर देंगे, सबका बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।